एवरीवन, सभी को मेरी जय सी आराम। चलिए स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर सॉरी इम्प्रेस। तो इम्प्रेस में मैं आपको लास्ट टाइम स्लाइड मेन्यू के ऑप्शन बता चुकी हूँ। इसमें हमारे लास्ट के तीन ऑप्शन हैं जिसके बारे में हम आज बात करते हैं, समरी स्लाइड, एक्सपेंड स्लाइड एंड स्लाइड ट्रांजिशन। एंड उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये नेविगेट, मूव एंड नेम स्लाइड, हाइड स्लाइड, ये सारे ऑप्शन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए एंड इन वीडियोज को देख के इनका बेनिफिट उठाइएगा। ओके, तो आज हम बात करते हैं समरी स्लाइड की। सबसे पहले हम बात करते हैं समरी स्लाइड क्या ऑप्शन होता है। देखिएगा, आपकी प्रेजेंटेशन में आपने हर एक स्लाइड पे अलग अलग टॉपिक ऐड किया हुआ होता है, ठीक है। ये आपकी पूरी प्रेजेंटेशन है और इस प्रेजेंटेशन में आपने हर एक स्लाइड में अलग अलग टॉपिक ऐड किया हुआ है। आप चाहते हैं सभी की एक समरी बन के आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा स्लाइड पे जाएंगे एंड आपको स्लाइड मेन्यू में जाके क्लिक करना है समरी स्लाइड पे। जैसे ही आप समरी स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड अपने आप बन के आएगी जिसमें कि सारी स्लाइड्स की समरी आ जाएगी। ये रही, तो ये सबसे एंड में आपकी आई है, सबसे एंड में आपकी आती है। तो ये मैं दो बार क्लिक कर चुकी हूँ। अब आप इसको ड्रैग करके चाहे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको फर्स्ट पोजिशन पर चाहती हूँ तो मैं इसको वापस से फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड वाले पे, जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई है, समरी आ गई, यानी कि हर एक का क्या क्या किसमें क्या काम हो रखा है उनका एक टॉपिक यहाँ पे आपके सामने आ गया। तो यही आपका होता है समरी करना। अब अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, एक्सपेंड यानी कि अब आप देख रहे हैं केवल समरी आ रही है आपकी, ठीक है। तो अगर आप इनको वापस से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप करेंगे एक्सपेंड स्लाइड, यानी कि वापस से अलग अलग हो जाए। तो ये जो आपकी समरी थी इनके आपके अलग अलग टॉपिक में एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल तुम इनको एक्सपेंड यानी कि इनको अलग अलग करना, तो फिलहाल मैं हटा देती हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी टॉपिक बने हुए हैं। तो मैं इन टॉपिक्स को एक्सपेंड ना करके फिलहाल डिलीट कर देती हूँ मैं इनको। और ये जो मेरी समरी बनी थी, यानी कि समरी आपको बनानी है, यानी कि हर एक टॉपिक आपको एक स्लाइड पे चाहिए कि हर एक स्लाइड में किस किस टॉपिक पे वर्क हुआ है, तो टाइटल वाइज आपका समरी स्लाइड बन के आ जाएगा। और उन्हीं टाइटल्स को अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, एक्सपेंड स्लाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो जैसे मैं F5 करूँगी तो प्रेजेंटेशन देने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप F5 प्रेस करते हैं तो करंट स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन आना स्टार्ट हो जाती है एंड नेक्स्ट आप करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी जो प्रेजेंटेशन है, अभी जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तभी मेरी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, ठीक है। या तो आपको माउस से क्लिक करना होगा या आप अपने कीबोर्ड से, जो आपके कीबोर्ड में एरोज होते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उनसे भी आप नेक्स्ट और प्रीवियस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड की कीज का यूज कर रही हूँ नेक्स्ट करने के लिए एंड प्रीवियस के लिए। लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन का भी आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट एंड प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए। बट मैं चाहती हूँ मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली आए, अपने आप आए, मुझे माउस से क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, चलिए एस्केप कर लेते हैं। एस्केप की आप अपने बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एस्केप बटन को, तो ये आप बाहर आ जाएंगे प्रेजेंटेशन से। एंड जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्लाइड के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन में, तो यहाँ पे आपका स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। मैं इसको वापस से क्लोज कर देती हूँ एंड वापस से क्लिक करके दिखाती हूँ। आपको स्लाइड मेन्यू में जाना है एंड स्लाइड ट्रांजिशन पे आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको शो हो गया है। तो अभी जब मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मुझे माउस से क्लिक करना पड़ रहा है, मैं चाहती हूँ ऑटोमेटिकली आए। तो ऑटोमेटिकली आने के लिए मैं यहाँ पर, अभी आप देखेंगे एडवांस स्लाइड का एक ऑप्शन है इसी डायलॉग बॉक्स में, यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस स्लाइड का ऑप्शन है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ऑन माउस क्लिक है और एक है आफ्टर। तो अभी जो वर्क कर रहा है वो ऑन माउस क्लिक कर रहा है, यानी जब तक आप खुद से क्लिक नहीं करेंगे माउस से या कीबोर्ड से आप बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक नेक्स्ट या प्रीवियस स्लाइड भी नहीं जाएगा, ओके। लेकिन आप चाहते हैं खुद से जाए तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, आफ्टर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और एक के बाद जो दूसरी स्लाइड है वो कितने टाइम बाद आए आप यहाँ पे सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सबको मैं अलग अलग टाइम दूँ, यानी कि ये वाली स्लाइड मेरी कितनी देर रुकनी चाहिए, यहाँ से मैं टाइम बढ़ा देती हूँ, ये वाली स्लाइड मेरी 10 सेकेंड, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आए फर्स्ट के बाद जो सेकेंड स्लाइड आए वो कितनी देर बाद आनी चाहिए, 10 सेकेंड बाद। फिर मैं सेकेंड पे जा रही हूँ और यहाँ पे भी मैं करती हूँ आफ्टर, और इसको मैं चाहती हूँ ये वाली स्लाइड मेरी 5
5 सेकंड बाद, यानी कि इससे जो अगली स्लाइड है वो 6 सेकंड बाद आए। ऐसे मुझे क्या करना होगा, मुझे सब में अलग अलग टाइम चाहिए तो मैं मुझे सब में जाके यही करना होगा, आफ्टर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे कोई भी एक टाइम लिमिट मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, जो टाइम मैं यहाँ पे ऐड करूँगी उसी टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड मेरी अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, हम F5 करते हैं। तो मेरी इसके फर्स्ट के बाद जो मेरी सेकंड स्लाइड आएगी वो अपने आप आएगी 10 सेकंड के बाद। ठीक है, हमें कोई माउस से क्लिक नहीं करना है, कीबोर्ड से कोई बटन हमें नहीं प्रेस करना है, ये अपने आप ही 10 सेकंड बाद आ जाएगी। और इससे जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें मैंने डिफरेंट टाइम ऐड किया है 6 सेकंड, तो 6 सेकंड बाद ये आ जाएगी। और इसमें मैंने यहाँ पे 10 या 12 ऐड किया था, तो 10 और 12 में से किसी भी टाइम बाद अपने आप नेक्स्ट स्लाइड को शो कर देगी। बट मैं चाहती हूँ कि सभी को मैं एक ही टाइम दूँ, यानी कि हर एक स्लाइड मेरी 5 सेकंड रुके और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड आ जाए। तो एस्केप कर लेते हैं। अगर मुझे सभी को सेम टाइम देना है तो मैं यहाँ से करती हूँ आफ्टर, और यहाँ पर मैं टाइम ऐड कर देती हूँ 5 सेकंड और 6 सेकंड ले लेती हूँ। और यहाँ से मुझे टाइम देने के बाद, आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद, टाइम देने के बाद मुझे करना होगा अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल स्लाइड, यानी कि ये वाला ट्रांजिशन मैं सभी पे अप्लाई करना चाहती हूँ। अब मेरी के बाद दूसरी स्लाइड आए कैसे, क्या उसका स्टाइल होना चाहिए, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। मेरी एक के बाद जो दूसरी स्लाइड आए तो इस तरीके से आए या इस तरीके से आए, उसके बाद मैं इसको कर देती हूँ अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल। यहाँ से आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ से करती हूँ अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वापस से प्रेजेंटेशन शो करनी है, F5 प्रेस करना है। अब आपकी ऑटोमेटिकली आएगी, हर एक स्लाइड आपकी 5 सेकंड बाद आएगी। देखिएगा हर एक साइड आपके 5 सेकंड बाद अपने आप ऑटोमेटिकली आ रही है, हमें यहाँ पे कोई भी बटन या माउस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब जब तक आप एस्केप नहीं करेंगे ये इसी तरीके से एक के बाद नेक्स्ट स्लाइड को शो करेगी। तो मैं एस्केप कर रही हूँ एंड अब मैं सब में अलग अलग ट्रांजिशन डाल रही हूँ, यानी कि अलग अलग स्टाइल। अभी मेरा नन है, नन तो सिंपल में आता है, वाइप इस तरीके से आएगा, तो मैं हर एक में अलग अलग डाली। फर्स्ट में मैं यहाँ से डाल रही हूँ, देखिएगा अगर आपको सभी पर ये अप्लाई करना है, ये वाला या ये आपको सब पे अप्लाई करना है, इनमें से जो भी आपको एक सब पे अप्लाई करना है डिज़ाइन, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे अप्लाई टू, अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल। अगर आप किसी एक पे क्लिक करके करते हैं अप्लाई ट्रांजिशन टू ऑल, तो आप देखेंगे सब पे एक ही आएगा। हर एक स्लाइड का ट्रांजिशन यानी कि आने का तरीका आपका सेम है, बट मैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐड करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ तो मैं एस्केप कर लेती हूँ एंड अब मैं फर्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना होगा, सिर्फ सिलेक्ट करना होगा, इस पर मुझे ये अलग एंड इस पर मैं अलग सेलेक्ट कर लेती हूँ। हर एक पे मैं अलग अलग सेलेक्ट कर सकती हूँ, साथ ही आप इनके ट्रांजिशन के तरीके को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर मैंने वाइप वाला यूज़ किया हुआ है, तो वाइप में आप देखें तो ये नीचे से ऊपर की साइड जा रहा है, देखिएगा, ठीक है, डाउन टू अपसाइड। तो मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, इसके वेरिएंट को, ये बॉटम टू टॉप है, मैं इसको करना चाहती हूँ राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ से करूँगी राइट टू लेफ्ट। तो देखिएगा ये ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन में, मॉडिफाई ट्रांजिशन का, मॉडिफाई ट्रांजिशन यानी कि ट्रांजिशन में आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या चेंजेस करना, उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा वेरिएंट, वेरिएंट के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो भी आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, लाइक लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। मैं राइट टू लेफ्ट कर रही हूँ, तो अब आप देखिएगा इसका प्रीव्यू, तो लेफ्ट से राइट की साइड आ रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। लेफ्ट टू राइट करेंगे एंड प्रीव्यू प्ले, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है प्रीव्यू एंड प्ले करने का, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्लस कितनी देर तक ये होना चाहिए इसके अंदर, अगर आप कोई साउंड भी ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से इनमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सब में अलग अलग ट्रांजिशन, तो जैसे इसमें मैं डाल देती हूँ, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड यहाँ से मैं इसमें अलग ट्रांजिशन डाल रही हूँ सेकंड वाले में। ये वाला इसमें भी आप थ्रू ब्लैक या थ्रू वाइट जो भी आप करना चाहते हैं, साउंड में ऐड कर लेती हूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ
और इसको मैं वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली चेंज कर लेती हूँ, साउंड ऐड कर लेते हैं कोई भी। एंड नेक्स्ट इसमें भी मैं ऐड कर लेती हूँ और साउंड ऐड कर लेते हैं फिर से नेक्स्ट। तो मैं सभी में डिफरेंट डिफरेंट ऐड कर रही हूँ और सभी में मैं अलग अलग साउंड भी ऐड कर रही हूँ। जिससे कि डिफरेंट में इसलिए ऐड करी ताकि आप लोगों को दिखे कि हाँ हम कितना कितना इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो स्लाइड और रह गई है, सभी में हम ऐड कर लेते हैं कुछ नया। ओफो, मेरे से अप्लाई टू स्लाइड हो गया है। कोई नहीं, चले दोबारा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ऑप्शंस में आपको बता ही चुकी हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन प्लस डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स आप यहाँ पर इन पर जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हैं एंड इनके अंदर आप मॉडिफिकेशन भी थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जब आप लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ज़रूर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कीजिएगा एंड साउंड चलिएगा। इतने में ही हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन आने वाली है। साउंड आप जो भी ऐड करना चाहे, अदर साउंड में आपकी ऑप्शन है कि अगर आपके सिस्टम में कोई सॉन्ग है या कोई भी साउंड है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग अपनी फाइल से कहीं आपने कोई फाइल बना रखी है उसमें से आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका स्लाइड में भी दिया होता है, स्लाइड शो में F5 प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रांजिशन विद साउंड आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपके सिस्टम में है, जिससे कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आती है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप सो आपको स्लाइड मेन्यू के सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनको जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे आपको इश्यू आ रहा है। तो आप ज़रूर इनको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी जो चाहे वो पूछ सकते हैं एंड इसको प्रैक्टिकली यूज़ करें, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।